To all of you, today my chapter is integers. This is your first chapter. I am going to start about integers. It is denoted by I or Z. इसको हम I या Z से दिखाते हैं. ये इसका रूप होता है -1, -2, -3 इस तरह बढ़ते हुए क्रम में, फिर 0, फिर 1, 2, 3, 4 फिर बढ़ते हुए क्रम में. यानी हम इसको पूरे को यहाँ से डिवाइड करें, तीन तीन भाग में हो जाएगा. एक भाग है नेचुरल नंबर्स विथ निगेटिव साइन. नेचुरल नंबर्स 1, 2, 3, 4 ये निगेटिव साइन है. और दूसरा हो गया 0. तीसरा पार्ट है 1, 2, 3, 4 नेचुरल नंबर्स विथ पॉजिटिव साइन. ये पॉजिटिव साइन के साथ काउंटिंग नंबर, ये जो है निगेटिव साइन के साथ काउंटिंग नंबर या नेचुरल नंबर. इसी को भी हम निगेटिव इंटीजर्स भी कहते हैं, या इसको हम पॉजिटिव इंटीजर कहते हैं. और जीरो को जीरो इंटीजर, इसको हम जीरो इंटीजर कहते हैं. जीरो इंटीजर, इसको हम जीरो इंटीजर कहते हैं. तो पूरा इंटीजर्स में ये तीनों पार्ट आते हैं, निगेटिव नेचुरल नंबर, निगेटिव इंटीजर्स और जीरो इंटीजर और पॉजिटिव इंटीजर. तो इसको हम पॉजिटिव इंटीजर कहते हैं, इसको निगेटिव इंटीजर कहते हैं और इसको जीरो इंटीजर कहते हैं. ये सब मिलाकर सारे इंटीजर्स होते हैं. तो इसकी प्रॉपर्टी है, हम इसको नंबर लाइन पर भी दिखा सकते हैं. नंबर लाइन क्या होता है आप जान चुके हैं पहले भी, कि कोई भी लाइन जिसका हर एक पॉइंट जो है कोई ना कोई नंबर हमको शो करता है उसको नंबर लाइन कहते हैं. तो नंबर लाइन पर पहले जीरो, पहले हम जीरो के, क्योंकि जीरो ना पॉजिटिव होता है ना निगेटिव होता है. जीरो के आगे पॉजिटिव और जीरो के पीछे यानी लेफ्ट में निगेटिव होता है और राइट में पॉजिटिव होता है. तो इसका एसेंडिंग ऑर्डर कैसे बढ़ता है, बढ़ता हुआ क्रम है. ये एसेंडिंग ऑर्डर है, हमने एरो से दिखाया है. ये इधर की तरफ बढ़ता है यानी लेफ्ट से राइट की तरफ बढ़ता है. और डिसेंडिंग ऑर्डर है ये राइट से लेफ्ट की तरफ. यानी ये -1 जो है -2 से बड़ा है. देखने में -1 जो है छोटा है, लेकिन ये इंटीजर्स के वैल्यू में -1 जो है -2 से बड़ा है. उसी तरह 1 भी 0 से बड़ा है. यानी हम इस क्रम में जितने जाएंगे पीछे वाला छोटा होगा और आगे वाला बड़ा होगा. उसी तरह डिसेंड करता है यानी लेफ्ट राइट से लेफ्ट की तरफ आते हैं. तो -2 और छोटा हो जाएगा -1 से. ये -2 छोटा, जैसे जैसे हम लेफ्ट में जाएंगे वैसे वैसे कम मान जो है राइट से घटता जाएगा. यानी राइट से लेफ्ट आने पर मान घटता है और लेफ्ट से राइट जाने पर मान बढ़ता है. इसको हम ध्यान में रखेंगे. तो इसका एब्सोल्यूट वैल्यू, इसका एब्सोल्यूट वैल्यू के बारे में, एब्सोल्यूट का मतलब है इट इज पॉजिटिव न्यूमेरिकल वैल्यू. जो इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू है उसको पॉजिटिव, कभी भी हम इसको निगेटिव नहीं लेते हैं. ये मॉड 8 जो है 8 के बराबर और -7 जो है 7 के बराबर हो. तो इंटीजर्स के एडिशन ऑफ इंटीजर्स, इसके एडिशन के लिए, इसके एडिशन के कुछ प्रॉपर्टी है जिसके अनुसार हम उसको ऐड करते हैं. इसमें हमें 2 पॉजिटिव इंटीजर्स आर एडेड. जब 2 पॉजिटिव इंटीजर को साथ लेते हैं वी गेट ए पॉजिटिव इंटीजर. हम जो पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, कोई भी अगर चिन्ह नहीं है, किसी भी अंक में कोई चिन्ह नहीं है तो उसको पॉजिटिव माना जाता है. तो ये पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है. तो 2 पॉजिटिव को जोड़ेंगे, प्लस करेंगे, मतलब दोनों को जोड़ेंगे तो पॉजिटिव आएगा. मतलब कोई साइन नहीं है तो उसको पॉजिटिव ही मानेंगे. तो पॉजिटिव इंटीजर्स को जोड़ने पर पॉजिटिव आता है, इसको ध्यान रखना है. दूसरी चीज़ है व्हेन 2 निगेटिव इंटीजर्स आर एडेड. जब 2 निगेटिव इंटीजर्स को जोड़ेंगे वी गेट ए निगेटिव इंटीजर. ध्यान देना है ये निगेटिव इंटीजर है और ये निगेटिव इंटीजर है, प्लस है. इसका मतलब है कि इन इनको जो है हम दोनों अगर निगेटिव हो गए तो हम उसको निगेटिव ही रखेंगे. ध्यान देना है इस प्लस से कोई मतलब, आपको इतना ही रखना है कि इन दोनों को ही हम जोड़ेंगे. तो ये -और- दोनों इंटीजर जुड़ रहे हैं तो ये माइनस ही होगा, हमेशा निगेटिव ही होगा. उसी तरीके से -3 और -5 जोड़ेंगे तो -8 ही होगा. अब व्हेन 1 पॉजिटिव एंड 1 निगेटिव इंटीजर्स आर एडेड. अगर एक धन एक पॉजिटिव हो गया तो इंटीजर्स आर एडेड. वी टेक एंड प्लेस द साइन ऑफ बिगेस्ट इंटीजर, पॉजिटिव इंटीजर को और एक निगेटिव इंटीजर. अगर इन दोनों को विपरीत साइन वालों को जोड़ेंगे तो उसके लिए नोट है
कि ये हम उसका पहले क्या करें, वी टेक देयर डिफरेंस, उसका अंतर निकाल लेंगे एंड प्लेस द साइन ऑफ बिगेस्ट इंटीजर, और बड़े वाले इंटीजर्स का साइन को ही हम रखेंगे। यानी बिगेस्ट इंटीजर किसको मानेंगे, तो इट इज डिसाइडेड बाय इग्नोरिंग द साइन ऑफ द बोथ इंटीजर, दोनों इंटीजर के साइन को हटा दीजिए, उसमें देखिए कौन सा बड़ा है, बिना साइन का देखिए कि कौन बड़ा है, और जो बड़ा होगा उसी का साइन जो है रिजल्ट में आएगा। यानी ये हमारे इंटीजर है 37, ये पॉजिटिव है, ये है निगेटिव है इंटीजर। अब ये माइनस और ये प्लस इसको हटा देंगे, अब देखेंगे कि अगर साइन हटा देते हैं तो 50 बड़ा है, जब 50 बड़ा है तो 50 के साइन को ही हम रिजल्ट में ले आएंगे, अगर पॉजिटिव वाला बड़ा होगा तो पॉजिटिव के साइन को रिजल्ट में ले आएंगे, लेकिन अगर निगेटिव का साइन बड़ा है तो निगेटिव के साइन को हम रिजल्ट में ले आएंगे। इस प्रकार यहाँ जो है माइनस वाला साइन बड़ा है, यहाँ माइनस रखेंगे और डिफरेंस जो हम इससे घटाओ या इससे घटाओ कोई फर्क नहीं पड़ता, कहीं भी कोई प्लेस हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, साइन उसी का रखेंगे जो कि सबसे बड़ा होगा। इस तरह 37 और माइनस 50 का योग जो है माइनस 13 होगा। तो द एडिटिव इनवर्स ऑफ एनी इंटीजर ए इज ए, माइनस ए, ए का माइनस ए होता है, एडिटिव मान जो कोई इंटीजर ए है तो उसका एडिटिव इनवर्स माइनस ए हो जाएगा, और एडिटिव इनवर्स ऑफ माइनस ए है उसका ए हो जाएगा। तो आपको जैसे कि एडिटिव इनवर्स ऑफ 9 है तो 9 का एडिटिव इनवर्स माइनस 9 हो जाएगा, और उसी तरह एडिटिव इनवर्स ऑफ माइनस 8 है तो उसका 8 हो जाएगा। यानी अगर प्लस है तो उसका माइनस हो जाएगा और माइनस है तो प्लस हो जाएगा। नोट, जो एडिटिव इनवर्स ऑफ इंटीजर आर निगेटिव ऑफ निगेटिव ऑफ एनी इंटीजर बोथ आर सेम थिंग, अगर एडिटिव इनवर्स कहता है तो भी वही चीज़ है, और निगेटिव अगर पूछता है तो निगेटिव भी या एडिटिव इनवर्स को ही हम निगेटिव भी कहते हैं। यानी एडिटिव इनवर्स पूछे तो वही आंसर होगा या निगेटिव पूछेगा तो वही आंसर होगा, दोनों एक ही चीज़ है। तो सो निगेटिव ऑफ 5, जैसे कि निगेटिव ऑफ 5 जो है माइनस 5 होगा, या निगेटिव ऑफ माइनस 7 क्या होगा, 7 होगा। तो क्वेश्चन को एडिटिव इनवर्स करके भी पूछ सकता है या निगेटिव करके भी पूछ सकता है, आंसर जो है सेम ही आएगा, इस प्रकार कुछ में कोई डिफरेंस नहीं आएगा। एक अगर इंटीजर को और उसके निगेटिव इंटीजर को जोड़ेंगे तो यहाँ हो जाएगा इंटीजर प्लस इनवर्स प्लस एडिटिव इनवर्स इक्वल टू 0। ये टेस्ट है उसका, तब अगर ए है, अगर इंटीजर है तो अगर इसका एडिटिव इंटीजर माइनस ए है तो दोनों को ऐड करेंगे तो 0 होगा, यही इसका टेस्ट है। यानी माइनस ए के लिए ए एडिटिव इनवर्स होगा, और ए के लिए माइनस ए एडिटिव इनवर्स होगा, और दोनों को जोड़ने पर 0 आता है, तो एक दूसरे के वो एडिटिव इनवर्स कहलाते हैं। आज इतना ही, इसके बाद धन्यवाद, आप लोगों को फिर कल जो है हम आगे कल जो है इसके बारे में बताएंगे।